स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो हम चल रहे हैं एक वीडियो सीरीज में, और इस वीडियो सीरीज में मैं ले रहा हूं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहले वीडियो में मैंने टू लॉज देखा, बताए कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब हम थर्ड लॉ को लेते हैं। हमारा जो थर्ड लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। इट इज रिलेटेड टू परसेंटेज कंपोजिशन और मास रेशियो ऑफ टू एलिमेंट्स विच फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स। अर्थात ये जो नियम है जॉन डाल्टन ने जो प्रतिपादित किया है, ये नियम दो तत्वों से बनने वाले यौगिकों में उन तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत या उनके द्रव्यमानों का अनुपात, इससे रिलेटेड है। अब हम देखते हैं कि ये लॉ कहता क्या है। अगर आप इस लॉ में जाएं तो पाएंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form two or more compounds, then different masses of one element which combine with fixed mass of other element are in a simple whole number ratio। समझ गए? इसमें ये बोला गया कि जब दो element combine हो और बहुत सारे उत्पाद बना दें, यौगिक बना दें, प्रोडक्ट्स बनाएं या कंपाउंड्स बनाएं, तो एक एलिमेंट के जो डिफरेंट मासेस हैं, जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन हो रहे हैं, तो उन डिफरेंट मासेस में एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। अर्थात दो तत्वों के संयोग से बनने वाले दो या दो से अधिक यौगिकों में अगर एक तत्व का भार बदल रहा है और दूसरे तत्व का भार स्थिर है, तो उस बदलते हुए भार में एक सरल अनुपात होगा। समझ गए ना? तो जैसे मान लो कि एग्जांपल आप समझें कि कार्बन के ऑक्साइड है एक CO और एक CO। तो CO में आप देखें एक ऑक्सीजन है और कार्बन का एक एटम। CO2 में जाए तो कार्बन का वन एटम है, ऑक्सीजन के टू एटम है। तो यहां कार्बन फिक्स है लेकिन कौन चेंज हो रहा है? ऑक्सीजन। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन 1:2 में है, अर्थात CO में एक एटम है ऑक्सीजन का, CO2 में दो है। ऐसे ही सल्फर के ऑक्साइड्स देख लो, SO, SO2, SO3। तो एक सिंपल रेशियो 1:2:3:4 इस तरह से चेंज आते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के जैसे ये ऑक्साइड है N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। अगर आप इनमें मास देखें नाइट्रोजन का, तो इनके एटॉमिक मास के बेस पर देखें, दो नाइट्रोजन 28, क्योंकि एक नाइट्रोजन का 14 है, तो दो का कितना होगा 28, फिर 40 है इसमें, दो नाइट्रोजन 28, दो नाइट्रोजन 28, दो नाइट्रोजन 28। यहां एक ऑक्सीजन है 16, यहां पर भी एक ऑक्सीजन है 16, यहां पर तीन ऑक्सीजन दिख रहे हैं 48, यहाँ चार है तो कितना हो गया 64, और यहाँ पांच है तो कितना हो गया 80। अब अगर आप इनके मास रेशियो को देखें, यहाँ अगर हम आधा कर दें और इसको हाफ कर दें, मतलब इसको हाफ इसको, मतलब इसको 40 ले लें तो ये 8 हो गया। हम ऑक्सीजन के 8 मास को 1 यूनिट मान लें तो 1:1, और 14 को भी 1 यूनिट मान। फिर हम यहाँ जैसा का पैसा ले लें, ये 14 है ये 16, तो यहाँ पर ये 1:1 और ये कितना हो गया 2 में आ गया। फिर यहाँ आ गया ये 14 है, इसका हाफ कितना हो गया 24, तो ये 3:1 में आ गया। ऐसे ही ये 14 है तो ये 32 है, तो 1:4 में आ गया। इसका 14 और इसका कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि 80 का हाफ कर दो तो 40, तो ये कितना हो गया 1:5। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स 8 ग्राम, 16 ग्राम, 24 ग्राम, 32 और 40 ग्राम, which combines with fixed mass of nitrogen is 40 gram, ठीक है, और in a simple whole number ratio। अर्थात आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन के अलग अलग भार, जो नाइट्रोजन के निश्चित भार 40 ग्राम से संयोग कर रहे हैं,
है इस लॉ ऑफ मल्टीप्रोपोर्शन प्रोपोर्शन को वेरीफाई करता है। तो इस तरह के अगर आप देखें नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, इसके अलावा अगर आप हाइड्रोकार्बन में चले जाएं और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर आप होमोलोगस सीरीज देखें तो यहां पर ये लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है फॉलो होता है। तो आप समझ गए होंगे ये मल्टीपल प्रोपोर्शन कि एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया जाए और अलग अलग एलिमेंट जो दूसरा एलिमेंट जो उसके अलग अलग मास आ रहे हैं तो उस अलग अलग मास में एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। तो आप इसे नोट करें। तो अभी आपको मैंने मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ बताया, एक सिंपल एग्जांपल बताया नाइट्रोजन का। अब मैं आपको जो है इसका एक ऐसा एग्जांपल बता रहा हूं जो ज्यादातर कंपटीशन में आते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको एक ही एलिमेंट सॉरी दो एलिमेंट के दो कंपाउंड थ्री कंपाउंड इस तरह दे रखे होंगे और उसमें लिखा होगा कि उनके परसेंटेज दे रखे हैं, उनमें एलिमेंटल परसेंटेज दे रखे हैं और उसमें लिखा होगा कि आपको बताना है कि ये किस लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो ध्यान रखें कि अब अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, पहले दोनों कंपाउंड्स को अलग अलग लिखना है और उसके दोनों जो एलिमेंट्स हैं उनके परसेंटेज को आपको क्या कर देना है, अलग अलग करना है। फिर आपको करना क्या होगा, किसी एक एलिमेंट की अमाउंट को फिक्स कर दो और उस एलिमेंट की अमाउंट को फिक्स करने के बाद दोनों कंपाउंड में जो दूसरा एलिमेंट है उसके डिफरेंट मासेस को कैलकुलेट करो। वो जो डिफरेंट मासेस आएंगे कंपाउंड के, अगर उनका मास रेशियो एक सिंपल रेशियो में आ जाता है 1:2 या 1:3 या 1:4 कुछ भी आता है तो समझ जाओ कि ये जो लॉ है वो मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ को फॉलो कर रहा है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि कार्बन फॉर्म टू ऑक्साइड कंटेन ऑक्साइड फर्स्ट कार्बन परसेंटेज है 42.7 और ऑक्सीजन है 57.3%। ओके, सेकंड ऑक्साइड में कार्बन का ये परसेंटेज दे रखा है 27.27% और जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो है 72.73। इस तरह से आपने दो ऑक्साइड कार्बन के लिए उनके परसेंटेज दे रखे हैं। हमें क्या करना है, चाहे हम कार्बन ले लें चाहे ऑक्सीजन, हमें किसी एक की अमाउंट को फिक्स करके और दूसरे की अमाउंट की एक की मात्रा को निश्चित कर दो आप और दूसरे एलिमेंट दूसरे तत्व की जो अमाउंट है जो मात्रा है उसको कैलकुलेट करो। मैं यहां पर क्या किया मैंने कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंस विद 1 ग्राम ऑफ कार्बन। 1 ग्राम कार्बन से संयोग करने वाले ऑक्सीजन के भार ज्ञात करते हैं कि 1 ग्राम कार्बन, तो देखो हम ऐसा समझ सकते हैं कि टोटल ऑक्साइड है हमारा 100 ग्राम, तो हम ये देख रहे हैं कि जब 42.7 ग्राम कार्बन जो कंबाइन हो रहा है कितने से 57.3, क्यों, क्योंकि टोटल ऑक्साइड में इतना कार्बन है जितना ऑक्सीजन है, अर्थात इतने ग्राम कार्बन से इतना ऑक्सीजन क्या हो रहा है बच्चों, कंबाइन हो रहा है। तो 1 ग्राम से कितना कंबाइन होगा, 1 ग्राम से कितना जुड़ेगा, तो वो आपका 57.3 अपॉन 42 अपॉन 7 पे आ गया 1.33 ग्राम। एक बार आपने कार्बन का यहां एक 1 ग्राम कार्बन से जो ये किसका मास आ गया, ऑक्सीजन, ठीक है, इतना जो है फर्स्ट ऑक्साइड में ऑक्सीजन का मास है। फिर दूसरे ऑक्साइड में आ जाओ, सेकेंड ऑक्साइड में आपको कार्बन है 27.27%, अर्थात इतना ग्राम कार्बन कितने का ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, 72.73 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है। तो 1 ग्राम से क्या कंबाइन होगा, फिर आपने कैलकुलेट किया ये कितना आ गया, इतना ग्राम, ये आ गया ऑक्सीजन। अब आप देखें कि ऑक्साइड फर्स्ट और ऑक्साइड सेकेंड कि कार्बन और ऑक्सीजन का अगर मास रेशियो है तो इसका 1 ग्राम तो ऑक्सीजन का है 1.33 ग्राम। अगर हम 1.3 को 1 रेशियो ले लें तो 1:1 में आगे, मतलब हम इसे इसी से डिवाइड करते इस नंबर को तो आ जाएगा 1 और इसका 1। दूसरा ऑक्साइड देखें, कार्बन का 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन का कितना आया 2.66 ग्राम, तो इसका मास रेशियो इसी नंबर से डिवाइड करें ऑक्सीजन का मास को तो ये आ गया 1:2। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइन विद
1 ग्राम ऑफ कार्बन और इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो मींस 1:2, अर्थात ऑक्सीजन के जो अलग अलग भार हैं वो 1 ग्राम कार्बन से जो संयोग कर रहे हैं वो किस अनुपात में है, 1:2। तो इस तरह से आपने प्रूफ कर दिया कि ये जो डाटा थे हमारे, ये किस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको 2 कंपाउंड्स 3 कंपाउंड्स 4 कंपाउंड्स कितने भी दे रखे और उनमें एक एलिमेंट का परसेंटेज है दूसरे का डिटरमाइन करके, 1 ग्राम किसी एक एलिमेंट को लेके उससे जो कंबाइन हो रहे हैं उससे जो जुड़ रहे हैं दूसरे एलिमेंट, उनका रेशियो निकाल लो, वो एक अगर सिंपल रेशियो में आता है तो वो मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ को फॉलो करता है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि सल्फर SO SO2 SO3 बना रहा है तो बताएं किस लॉ को फॉलो कर रहा है, सीधा लिख दो मल्टीपल प्रोपोर्शन। हाइड्रोकार्बन में बन रहा है CH4 C2H6 या C3H8 तो इस तरह के ये किस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन को लॉ फॉलो कर रहे हैं। कार्बन के ऑक्साइड बन रहे हैं तो मल्टीपल प्रोपोर्शन को। तो इस तरह से दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से अगर बहुत सारे कंपाउंड्स बने तो एक का मास फिक्स है तो दूसरे के मास में हमेशा एक सिंपल रेशियो आएगा, यही लॉ है। अगर आइसोटोप्स नहीं, अगर हम इनमें आइसोटोप्स बदल दें ऑक्सीजन की जगह 16 या 17 तो ये लॉ फिर फॉलो नहीं होगा, लेकिन अगर हम एक ही आइसोटोप लेके अलग अलग कंपाउंड्स बनाएं तो फिर फॉलो होगा। तो आप इसे नोट कर लें, कंप्लीट कर लें, मैं आपको नेक्स्ट लॉ बताऊंगा इसके बाद, तो आप इसे नोट कर लें।